गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स, आपको यूनिट टेस्ट के लिए जो हमने सिलेबस प्रोवाइड किया बेटा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में बेटा जो पेंडिंग टॉपिक रहा वो रहा था बेटा हमारा नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, मीन्स आपके गिवन एलिमेंट्स, जो भी आपका एलिमेंट्स होगा बेटा वो किस टाइप का ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्साइड्स। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, ओके, उसकी रेशियो बेटा डिफरेंट डिफरेंट रहती है, दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स। तो उस एलिमेंट का बेटा ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम ऑक्साइड का नाम दे देते हैं। तो सिंपली आप बोलोगे बेटा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्साइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप देख सकते हो, मान के चलना बेटा यहाँ पे सी के साथ, कार्बन के साथ बेटा मैंने ऑक्सीजन अटैच किया, दैट रेशियो बेटा यू नो वेरी वेल, कार्बन के साथ बेटा टू एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन करते हैं, तो इट मीन्स दिस इज द ऑक्साइड ऑफ द कार्बन। ओके, ऑन द सेम वे बेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे मान के चलिए हमने मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ ऑक्सीजन अटैच किया, तो दिस इज ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। ऑन द सेम वे बेटा आप बोल सकते हो Na2O, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम। ओके, तो इस टाइप से आपका गिवन एलिमेंट हमेशा ही बेटा ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आपने हमेशा बेटा माइंड के अंदर ये बात क्लियर रखनी है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज नोन एज अ ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे बेटा, हमारी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स किस टाइप के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स आर जनरली बेसिक नेचर, मींस बेटा जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर हमेशा बेसिक होता है। ऑन द सेम वे मेटल्स ऑफ द नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स हैविंग एसिडिक नेचर, बेटा उनका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा। ओके, और मेटालॉइड्स होते हैं बेटा, उनका नेचर बेटा एम्फोटेरिक नेचर रहता है, अभी बात कर रहे हैं हम। ओके, तो अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि बेटा मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, वाई। ओके, तो बेटा इस चीज को हम केमिकल लोकेशन के थ्रू क्लियर करने जा रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है हमने, कि जब भी बेटा एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेटा एसिड जब भी एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पे बेटा साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये बात बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आपने ध्यान रखना है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, तो इस मॉलिक्यूल का नेचर हमारे को नहीं पता बेटा, दिस इज एसिड और बेस, बट यू नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मीन्स बेटा दिस इज एसिड। ओके, ये बात बहुत अच्छे से पता है, और MgCl2 दिस इज साल्ट, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और H2O इज वाटर, ये बात क्लियर है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे एसिड एक अननोन एलिमेंट के साथ मिलकर बेटा बेस प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी आपने बोला बेटा, जब भी एसिड आपका अननोन कंपाउंड के साथ मिलकर बेटा साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन की, इट मीन्स दिस अननोन कंपाउंड विल बी बेस, बिकॉज अभी आपने बोला बेटा केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस ऑलवेज गिव्स द साल्ट प्लस वाटर। ओके, दिस मीन्स MgO हैविंग द बेसिक नेचर। तो हमने अभी बोला बेटा ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक नेचर, बेटा मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऑन द सेम पे बेटा ध्यान रखना है
इस टाइप की केमिकल रिएक्शन आप नॉन मेटल के लिए भी फाइंड कर सकते हो। नॉन मेटल्स के बेटा ऑक्साइड होते हैं, वो एसिडिक नेचर होते हैं जनरली। न्यूट्रल भी बेटा कुछ मिलेंगे बट मोस्ट प्रोबली बेटा आपको एसिडिक ही मिलेंगे। और मेटलॉइड्स होते हैं बेटा जो एलिमेंट्स जिनका नेचर कम्प्लीटली मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होता है, वो बेटा एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मीन्स ये बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा बेसिक नेचर जो होगा ऑक्साइड्स का, जो ऑक्साइड का नेचर है बेटा किस टाइप से चेंज हो रहा है, किस टाइप से बेसिक नेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो अभी हमने बोला बेटा कि ऑन डाउन द, अभी आपने बेटा क्लियर कर चुके हो मेटल ऑक्साइड हैविंग द बेसिक नेचर। ओके, मीन्स मेटल के ऑक्साइड का नेचर जो बेसिक होगा। तो बेटा ध्यान रहे जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हमेशा एलिमेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, हमेशा एलिमेंट की बेटा रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसी कारण बेटा जो बेसिक नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर भी बेटा ऑन डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करेगा। और जब भी हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे बेसिक नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड ओके हमेशा डिक्रीज करेगा। और बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन डाउन द ग्रुप बेटा जी डिक्रीज करेगा और पीरियड के अंदर हमेशा इंक्रीज करेगा। ओके, तो आपने बेटा फिफ्थ चैप्टर को अच्छे से कीजिए, इसकी सारी प्रॉब्लम्स को बेटा बहुत अच्छे से क्लियर करते चलें। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बेटा कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू।